फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज है संडे और 28 जनवरी के करंट अफेयर्स के साथ मैं अवेलेबल हूं आपके सामने। मैं आपको बता दूं, जो बच्चों ने ऑफर का फायदा नहीं उठाया था, काफी बच्चों ने परेशानी बस मुझे मैसेज किया था कि सर टेस्ट सीरीज लेना है, सर मुझे बहुत सारी चीजें जैसे कोर्स के लिए भी वो डिमांड कर रहे थे कि सर कोर्स भी परचेज करना है, BLL BLLB BArts PG MSW BSCAG कोई भी कोर्स, इसके आपको प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट या फिर स्टडी मटेरियल जो भी आपको चाहिए, चाहे आप DU दे रहे हो, TIS दे रहे हो, BHU दे रहे हो, सबके लिए हमारे पास मटेरियल अवेलेबल है। अभी ये जो 50% वाला ऑफर है, ये संडे को मैं स्पेशली उन बच्चों के लिए दे रहा हूँ जिन्होंने ऑफर की डिमांड की थी। कूपन कोड उनका रिपब्लिक ही रहेगा, याद रखिएगा, ठीक है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या क्या है क्वेश्चन में थोड़ा देख लें इसको। और आज का जो क्वेश्चन है, मतलब आज के जो करंट अफेयर्स है, इसका भी PDF आपको इंग्लिश वाले बच्चों को भी मिल जाएगा। आई विल ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश फॉर यू ओनली इन दिस वीडियो, राइट। सो किस भारतीय कंपनी को अमेरिकी स्वास्थ्य नियामक से जेनरिक दवाओं के लिए मंजूरी मिली है? तो जाइडस कैडिला आपने सुना होगा। जाइडस कैडिला इज द कंपनी विच गॉट द परमिशन फ्रॉम अमेरिकन हेल्थ अथॉरिटी, राइट। किसके लिए? जेनरिक मेडिसिन प्रोविजन के लिए। बात समझ में आ गया। भारतीय सेना ने कहा इंडिया सेल्फी पॉइंट खोला है। इंडियन डिफेंस सर्विसेज हैज स्टार्टेड इंडिया सेल्फी पॉइंट एट विच प्लेस? तो जम्मू कश्मीर में है। किस यूनिकॉर्न को पहली एआई कंपनी जो है, जो यूनिकॉर्न बनी है, सिंपल समझो, कौन यूनिकॉर्न बनने वाली पहली एआई कंपनी बनी है, कृत्रिम एआई, ये भावेश अग्रवाल, आपने ओला का नाम सुना होगा। ये थर्ड वेंचर जो है वो इंडिया की फर्स्ट बिलियन एआई स्टार्टअप बनी है, एआई स्टार्टअप, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे तीसरा ये कंपनी है। और एआई के मामले में अगर हम बात करें तो फर्स्ट $1 बिलियन का इन्होंने प्रोजेक्टाइल पास कर लिया है मार्केट कैप का। तो ये एक पहली यूनिकॉर्न, और आप देख सकते हो भारत का एक तरीके से बहुत ऊंचा कद हो रहा एआई में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, आप बहुत जगह यूज करते हो, आप शायद रिकॉग्नाइज नहीं करते होगे। जैसे आप बोलते हो किसी चीज को ट्रांसलेट करने के लिए, तो वो एआई ही करता है। आप बोलते हो कि हे गूगल ओपन माई दिस ऐप, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मतलब आपने निर्देश दिया और उसने ही कर दिया, आपने नहीं किया, तो वो अपने दिमाग को थोड़ी बहुत यूज करके, अब इस पर रिसर्च चल रहा है, इसको और आगे लेवल तक लिया जा रहा है, ले जाया जा रहा है, ठीक है। सो कृत्रिम एआई इज द कंपनी। किसे वायुसेना पदक से सम्मानित किया गया? निकिता मल्होत्रा को। 3 ट्रिलियन बाजार पूंजीकरण पार करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी कौन बनी है? माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। DGCA ने किस विमान कंपनी पे 1.1 करोड़ का जुर्माना लगाया है? एयर इंडिया पे 1.1 करोड़ का जुर्माना लगाया है किसी ने? DGCA ने। इसी तरीके से स्पाइस जेट पे कितना जुर्माना लगा था जरूर बताइएगा। भारत और किस देश ने रक्षा औद्योगिक साझेदारी के लिए रोड मैप अपनाया है? तो भारत और फ्रांस ने रक्षा यानी डिफेंस कोऑपरेशन के लिए रोड मैप पे साइन किया है भारत एंड फ्रांस ने। हाल ही में किसने विश्व के प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में स्थान अर्जित किया? प्रीसा चक्रवर्ती, इंडियन है इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्या नाम है इनका? प्रीसा चक्रवर्ती। किसने भारतीय वैज्ञानिकों को यूके का प्रतिष्ठित ब्लावतानिक पुरस्कार मिला है? देखो ये जो है रिसर्च में दिया जाता है, प्रोफेसर राहुल आर नायर, मेहुल मलिक, डॉक्टर तन्मय भरत, इन लोगों को 27 फरवरी को लंदन के बैंकेट हाउस में एक समारोह में ये दिया जाएगा। और इनको राशि कितनी दी जाएगी आप सोचो, 480,000 pounds, समझ रहे हो आप, ये साइंटिस्ट हैं इंडिया के, 9 लोगों को ये टोटल दिया गया, जिसमें 3 इंडियन है, तीनों का नाम भी आप याद रख सकते हो, राहुल आर नायर, मेहुल मलिक एंड डॉक्टर तन्मय भरत। 27 फरवरी को लंदन के बैंकेट हाउस में एक समारोह में इन्हें सम्मानित किया जाएगा। £1 में ₹105 है और इनको £480,000 दिया जा रहा है, आप इस चीज को समझो, ठीक है। चलो, हाल ही में हॉकी 5S महिला वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो नीदरलैंड ने ये जीता है, 5S महिला वर्ल्ड कप नीदरलैंड ने जीत लिया। नीदरलैंड को मैप में हम दिखाएंगे। हाल ही में खेल केंद्र उद्घाटन के लिए किस राज्य सरकार ने अभिनव बिंद्रा के साथ साझेदारी की है? तो ये कर रहा है असम। असम के CM है सर्वानंद सोनोवाल, और असम के जो गवर्नर है उनका नाम हमें जरूर बताइएगा। 63rd जियोलॉजिकल बोर्ड की बैठक कहाँ आयोजित की गई? भोपाल में। केंद्रीय कैबिनेट में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग के लिए किसके साथ साझेदारी की है? ओमान में। तो हम लोग आज देखेंगे ओमान, फ्रांस, नीदरलैंड और इंडिया का मैप देखेंगे तो असम, ठीक है। अब आपको आगे ले चलते हैं और मैप की दुनिया में, ताकि मैप आप अच्छे से पढ़ो और मैप पे अपना फोकस रखो। तो सबसे पहला जो आज मैप का जो थिंग याद करना है उसे याद कर लो आप, ओमान को देख लेते हैं हम, ठीक है। क्योंकि देखो आज है संडे तो भाई रेस्ट तो देना चाहिए, लेकिन अब आपका एग्जाम बहुत दूर नहीं है,
ठीक है। सो चलो एक एक करके सब कुछ देख लेते हैं। ये है सऊदी अरेबिया, मतलब अरबन पेनिनसुला। यहाँ पे देखो आपको ओमान दिख गया, जहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ना, स्ट्रेट गल्फ ऑफ ओमान भी है। तो ओमान की राजधानी है मस्कट, और ओमान की करेंसी दिनार है या रियाल, हमें करेंट कमेंट करके जरूर बताइए। ओमान की करेंसी रियाल है या दिनार, ठीक है, आपको ये दिख रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें नीदरलैंड की, नीदरलैंड कहाँ है? सो नीदरलैंड के लिए आपको जाना पड़ेगा यूरोप में, और ये देखो नीदरलैंड है आपके पास, कहाँ? यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस के बगल में, ठीक है। ये है बेल्जियम, और ये रहा आपका नीदरलैंड। नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है? कोई भी बता दे, नीदरलैंड की कैपिटल। बहुत लोग नाम सर्च करते होंगे, सबको हनीमून पे जाना होगा, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, ये सब ठंडे प्रदेश हैं, तो यहाँ पे लोग जाते हैं घूमने। तो हमें बताइए नीदरलैंड की राजधानी क्या है? जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ये सब देश तो हैं ही। ओमन देख लिया हमने, नीदरलैंड देख लिया, अब देख लेते हैं फ्रांस। फ्रांस कहाँ है? ये है फ्रांस, जिसकी राजधानी है पेरिस, जहाँ पे एफिल टावर है। अब ये एफिल टावर जो है, ये पूरा स्टील का बना हुआ है, ठीक है। आप लोग सोचते होंगे कि ये स्टील का इतने सालों से टिका कैसे है? स्टील है, इसकी मरम्मत होती रहती है बीच बीच में। तो इंग्लिश चैनल फ्रांस और यूके के बीच में है, यहाँ पे इंग्लिश चैनल, आप देख लो, आपने देख लिया। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश चैनल के बाद, ये है स्ट्रेट ऑफ डोवर, ठीक है। ये डोवर जो है, ये इन दोनों को कनेक्ट भी करता है। अंडर वाटर सी केबल, मैंने कई बार बताया भी है आपको, अंडर वाटर सी केबल आपको पता है तो कमेंट जरूर करिएगा कि अंडर वाटर सी केबल कहाँ है। यूरोप में छोटे छोटे देश ज्यादा हैं, बड़े देश कम हैं, लेकिन इन सब ने मिलकर के क्या बनाया? यूरोपीय यूनियन, ईयू। ईयू बनाया है, जिसमें कितने देश हैं और कब इसकी स्थापना हुई थी, फिर डिटेल वीडियो हमने बनाया हुआ है। तो ईयू से यूनाइटेड किंगडम अलग हो गया, आपको मालूम है, लेकिन इसमें जो है ग्रेट ब्रिटेन अलग होने के बाद, यूके और ग्रेट ब्रिटेन का मतलब भी हमने आपको समझाया था, अभी भी कई सारे देश हैं। सो आपको करना है कमेंट। तो आज मैंने कमेंट के लिए बहुत कुछ दिया, आपको जो आता है वो कमेंट करना है, क्योंकि आप लोग कमेंट करते नहीं हो। तो हमने मैप भी देख लिया, अब थोड़ा इंडिया में असम की चर्चा हो जाए। असम कहाँ है? देखो आप, ये हो गया आपका असम, ठीक है। अब ये असम को आप देखोगे, नॉर्थ ईस्ट का जो भारत का ये पार्ट है, असम में ही वन हॉर्न राइनो के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क फेमस है, और ये असम के ऊपर है भूटान, ये हो जाएगा सिक्किम, ठीक है। और ये वाला जो बाउंड्री लाइन है आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये सब अलग अलग एरिया हैं जो आपको असम में, ये बीचों बीच जो नदी है ये है ब्रह्मपुत्रा रिवर। सो थैंक यू सो मच माई डियर, मिलते हैं कल से फिर से रेगुलर क्लासेस में 8 AM पे। थैंक यू।